हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री किचन क्विंग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आम का कुलचा लेके आई हूँ, तो चलिए इसकी सामग्री देख लेते हैं। ये आम के कुलचा में मैं क्या सब डालूंगी। तो ये देखिए, मैं 500 ग्राम आम ली हूँ, इसे मैं धो के सुखा ली हूँ इसका पानी। और इस आम के कुलचा में मैं 200 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ, क्योंकि आम कुलचा तीखा बनाना है। और ये मैं सरसों का तेल ली हूँ और 100 ग्राम लहसुन ली हूँ छील कर, अच्छे से पहले से ही धो के मैं छील के सुखा ली हूँ। और 100 ग्राम अदरक, इसे भी मैं छील लूँगी। और अजवाइन मंगरेल ली हूँ, इसे मैं थोड़ा सा भून ली हूँ। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, तो इन्हीं सभी चीज़ों से मैं आम का कुलचा बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, आम को मैं पहले छील लेती हूँ। इसी तरह सभी आम को छील लेना है। इन सभी चीजों को मैं आम के कुलचा में डालूंगी छीलकर। तो ये देखिए, आम छील गया है, सभी आम मैं छील ली हूँ अच्छे से। अब मैं इसे चाकू से इसे मैं काट के निकाल रही हूँ, ताकि इसका बीज जो है वो मैं अच्छे से निकाल लूँ। सभी गुद्दा जो है इसका मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए, बीज मैं इसी तरह निकाल के फेंक दूंगी। तो सभी आम के गुद्दा मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए, हल्का आम जो है हल्का लाल लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैं सिलोट पे आम कुलचा तैयार करूँगी। मिक्सी सब में कोई चीज़ में मुझे कुलचा नहीं बनाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो मैं इस सिलोट पे आम को कुलचा तैयार कर लेती हूँ। तो ये सिलोट पे कुलचा जो है बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं आम का टुकड़ा डाल डाल कर इसे कुलचा बना लूँगी। ये देखिए, इस टाइप का कुलचा रहना चाहिए, ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा घर में आम एक दिन रह गया, इसी तरह सा आम जो है थोड़ा लाल दिख रहा है, लेकिन इससे कोई हानि नहीं होगा अचार में, क्योंकि कड़ापन है। और कुलचा अच्छा ही बनेगा। तो ये देखिए, इसी टाइप का टुकड़ा मुझे रखना है। सभी देखिए, सभी टुकड़े को मैं इसी तरह सिलोट पर कुलचा तैयार कर ली हूँ, कूट ली हूँ। अब मैं अदरक को ही इसी तरह कूटूंगी, क्योंकि अदरक का भी थोड़ा सा टुकड़ा रहना चाहिए। ये देखिए, इस टाइप अदरक भी मैं कूट लेती हूँ। तो चलिए, अदरक का कूटा हुआ भी मैं इसके ऊपर, आम के ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं लहसुन लूँगी, तो लहसुन को भी मैं आम के जैसे, अदरक के जैसे ही कूटना है। तो ये देखिए, इसे भी मैं कूट रही हूँ, ताकि लहसुन का जो है थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दिखे। तो सभी लहसुन के टुकड़े को मैं इसी तरह कूट लेती हूँ। तो सिलोट पे जो है आम का कुलचा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये देखिए, ये भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो देखिए, सभी लहसुन टुकड़े जो है मैं आम और अदरक के ऊपर डाल दी हूँ। अब मिर्ची लेती हूँ। तो मिर्ची सिलोट पे तो कूटना संभव है नहीं, क्योंकि हाथ में भी लगेगा। तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा मिर्च। तो मिर्ची को मैं थोड़ा सा चला रही हूँ सिला लोढ़ी पर, लेकिन आप लोग ऐसे मत कीजिए, मैं भी ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होगा, हाथ बाद में बहुत जलेगा। तो ये देखिए, मैं इसे अब मिक्सी में थोड़ा सा एक बार चलाऊँगी, ताकि मिर्ची का दरदरा रहे। तो ये देखिए, मैं मिक्सी के जार में थोड़ा सा लेके सिर्फ एक बार मुझे चलाना है, दिखाती हूँ मैं चलाकर। तो ये देखिए, देखिए कितना अच्छा से ये तैयार हो गया है, मिर्ची का भी कुलचा। तो चलिए, इसे भी मैं इसके ऊपर, आम के ऊपर डाल रही हूँ। इसी तरह सभी मिर्ची को मात्र एक बार चलाकर कुलचा बना लेती हूँ, मिर्ची का कुलचा।
अगर आप चाहे तो सिलोट पर भी बना सकते हैं। ध्यान दें, हाथ में कुछ लगा लीजिए पॉलीथिन। तो ये देखिए, मैं सभी मिर्ची को, कुटे हुए मिर्ची को मैं आम, अदरक, लहसुन के ऊपर डाल दी हूँ। तो ये जो आम का कुलचा है बहुत ही इजी में बन जाता है और इसे आप बहुत ही जल्द खाना शुरू कर दीजिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं ये अजवाइन जो है लगभग 3 चम्मच मैं डाली हूँ भरकर, और ये भुने हुए मंगरेल हैं इसे भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ लगभग भरकर 1 चम्मच। अब ये नमक, तो नमक तो स्वाद अनुसार से थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि अचार है, इसे मैं धूप में रखूँगी तो नमक का जो है टेस्ट उड़ जाएगा। तो मैं इसमें 8 चम्मच नमक डाली हूँ, 8 या 9 चम्मच नमक डाल दी हूँ। और ये हल्दी मैं 3 चम्मच डाल दी हूँ। ये देखिए, मैं सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ। अब ये आम के कुलचा में मुझे और कोई मसाला नहीं डालना है, ना सरसों डालना है, ना जीरा, ना और कोई मसाला सब। मैं सिर्फ यही नमक, हल्दी, अजवाइन और मंगरेल और सरसों का तेल मैं डाली हूँ। इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं अच्छे से मिलाकर इसे मैं धूप लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा और तेल डाल देती हूँ। इसे फिर मैं अच्छे से मिला रही हूँ। इसे मैं 2 दिन तक इसे धूप लगाऊंगी और बीच बीच में इसी तरह चला देना है। तो ये देखिए, धूप में मैं रख दी हूँ और इसे बीच बीच में मैं इसे मिला रही हूँ। मैं धूप में रखने जा रही हूँ। तो ये देखिए, 2 दिन धूप लग गया है, पूरे अच्छे से मैं धूप लगा दी हूँ। तो तेल जो है पूरा सोख लिया है, आम का पानी ये पूरा अच्छे से सूख गया है, नमक का भी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा होगा वो भी उड़ गया है। अब मैं एक जार ले लेती हूँ और ये जार में मैं सभी आम, मिर्ची, लहसुन, अदरक के कुलचा जो है वो मैं इस जार में डाल रही हूँ। ये देखिए, सभी मैं इस बोतल में डाल दी हूँ। तो लगभग ये अचार जो है बनकर तैयार है, और इसके ऊपर थोड़ा सा और सरसों तेल मैं डालूँगी। तो ये देखिए, देखने में भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। थोड़ा सा मैं सरसों तेल इसके ऊपर से डाल रही हूँ, और इस जार को मैं ढक्कन लगा कर 2-3 दिन आप इसे फिर से धूप लगा सकते हैं ताकि अचार का जो कच्चापन है लहसुन का वो हट जाए। ये देखिए, तो बन के तैयार है बिहारी स्टाइल में आम का कुलचा। इसे आप ज़रूर बनाएं घर पर और इसे 3 दिन के बाद खाना शुरू कर दें। ठंडी मौसम में तो ये आम का कुलचा और ही लाजवाब लगता है। प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जयश्री किचन क्वीन को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।